नेटवर्क टेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर। बीजेपी ने कथित दिल्ली के कथित शराब घोटाले के आरोपी के पिता का एक वीडियो जारी किया है। स्टिंग पर नया विवाद अब छिड़ गया है। बीजेपी और आप में चल रहा जो आरोप प्रत्यारोप है उसकी एक नई कड़ी जुड़ गई है। इस स्टिंग को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है और इसी पर आज हम करेंगे चर्चा, खास पैनल हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और सियासी हलचल दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर। एक स्टिंग और स्टिंग के ऊपर बवाल। हालांकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बेबुनियाद है, ये मजाक है, स्टिंग में जो दिखाया है वो गलत है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सबूत हैं तो वीडियो बनाकर भेजें, अब हमने भेज दिया तो आप कह रहे हैं कि मजाक है। ये मामला लगातार लंबा खिंच रहा है। अब लड़ाई स्टिंग तक आ पहुंची है। आक्रामक अंदाज में रोज बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है और अब एक नए स्टिंग से अटैक बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर। सीबीआई और ईडी की रडार पर हैं मनीष सिसोदिया, डिप्टी सीएम। बीजेपी लगातार आक्रामक अंदाज में घेर रही है आम आदमी पार्टी को और यह आरोप लगा रही है कि जमकर घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, आप कार्यनीति में दिल्ली को डुबोने की कोशिश की गई है, लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है और अपनी जेब भरने का काम किया है डिप्टी सीएम सहित तमाम अधिकारियों ने। अब एक स्टिंग, बीजेपी का नया स्टिंग, और बीजेपी ने कहा स्टिंग के माध्यम से आम आदमी पार्टी को घेर रही है। बीजेपी ने कहा कि सीएम रोज कहते थे कि अगर कोई सबूत है तो वीडियो बनाकर भेजो, अब हम वीडियो बनाकर लाए हैं तो आप इसे मजाक करार दे रहे हैं। वहीं आप ये कह रही है कि ये बेबुनियाद स्टिंग है, ये मजाक भरा स्टिंग है, इसमें कोई तथ्य नहीं, कोई सबूत नहीं। खामखा आम आदमी पार्टी बीजेपी को अटैक कर रही है। तो खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। शिवम छाबड़ा जी हैं प्रवक्ता बीजेपी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ऋतु चौधरी हैं और अनुज अग्रवाल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। शिवम छाबड़ा जी, आप स्टिंग लेकर आए हैं और आक्रामक अंदाज में फिर से आपने हल्ला बोला है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि मजाक है। सोचने का विषय यह है कि बात को इधर उधर की ना करके केवल सीधा स्पष्ट प्रश्न मनीष सिसोदिया को उत्तर जो जिसका देना चाहिए वो उत्तर नहीं दे रहे हैं और लगातार घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। सीधा प्रश्न ये है कि अगर दिल्ली में आपकी शराब की नीति इतनी शानदार थी, इतनी बढ़िया थी, ऐसी कौन सी जरूरत दान पड़ी कि आपको रातों रात उसको बदलना पड़ा। ये बड़ा सीधा सा, बड़ा भौतिक सा प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली की सरकार को देना चाहिए और जनता इसका जवाब मांग रही है। अब अन्यथा उसको आप किसी भी तरीके से ले लें, उनके बयानों पे चले जाएं, कभी वो पर्चा दिखा देते हैं, कभी वो अखबार दिखा देते हैं, कभी एलजी साहब को कटघरे में करने का प्रयास करते हैं, कभी खुद विक्टिम बनने का प्रयास करते हैं। तो ये सब जो हम कह सकते हैं कि ये जो दलीलें हैं ये किसी काम की नहीं है। केवल सीधे सीधे प्रश्नों का उत्तर दें और जिस प्रकार से सीबीआई ने एक चार्जशीट अभी फाइल होनी है लेकिन सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है मनीष सिसोदिया के खिलाफ में, ये इस बात का प्रमाण है कि निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर में जो शराब की नीति आई है उसमें भीषण भ्रष्टाचार हुआ है और मनीष सिसोदिया उसके दोषी है। ऋतु चौधरी जी, कोशिश तो हमारी थी कि आम आदमी पार्टी से कोई जुड़े, अपना पक्ष रखे इस पूरे मामले को लेकर, हालांकि कल से ही आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये मजाक था, ये स्टिंग जो है वो मजाक है, वो कुछ है नहीं। कांग्रेस का रिएक्शन स्टिंग को लेकर? पर इस तरह के इल्जाम लगे हैं तब से ही आप पार्टी कोई ना कोई नया पक्ष लेकर आ जाती है। कभी जो है वो महाराणा प्रताप का नाम लेती है, कभी जातियों के पीछे छुपने का काम करती है, कभी कट्टर ईमानदार बताती है, कभी किसी पर इल्जाम लगाती है। रोज नया इनका ड्रामा, जिसको बोलेंगे धारावाहिक, जो है वो चालू रहता है। रोज एक नई किस्त आ जाती है सीरियल की। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं असल में वो कट्टर भ्रष्टाचारी है और ये चीज साबित भी हो चुकी है। तो इसमें तो कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं कि अगर केजरीवाल जी ये बोलते हैं कि हमारे भ्रष्ट मंत्री को जो है वो भारत रत्न दे दिया जाए तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि वो इतने भ्रष्टाचारी जो इनके मंत्री हैं, इनके सांसद हैं, ये तो कांग्रेस की मान रही है जो स्टिंग है वो कांग्रेस की मानकर चल रही है कि
ये सच स्ट्रिंग है, इसमें सच्चाई है और ये आपका भंडाफोड़ है? देखिए, स्ट्रिंग में जो बातें कही गई हैं वो बहुत ज्यादा जो है सिमिलर है कि ये बाकायदा इन्होंने जो है कमीशन सेट किया था दिल्ली का, दिल्ली को बांट दिया गया था और अपने खासदार और अपने दोस्तों के हाथ में दे दिया था। इसमें उसमें कोई गलत बात है ही नहीं। अगर वो स्ट्रिंग नहीं भी हो तब भी ये बात, ये तो जन जन को मालूम है, दिल्ली के बच्चे बच्चे को पता है कि किस तरह से शराब आबकारी में इन्होंने घोटाला किया है। अगर इतने ही सच्चे थे या इतनी ही सच बात थी तो वो आबकारी नीति बदली क्यों, उसको बदलने की नौबत क्यों आई, ये आप मुझे बताइए। और स्कूलों के पीछे और शिक्षा के पीछे छुपने का काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। और यहाँ का जो है जितना भी इन्होंने दिल्ली में घोटाला किया वो सारा पैसा पंजाब खर्च किया, पंजाब में इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया, और अब पंजाब में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो पैसा ये गुजरात खर्च करने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो जग जाहिर है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है। अनुज अग्रवाल जी, ये आज जो मुद्दा हमने उठाया है, मुद्दा कोई नया नहीं है सर। दिल्ली वाले पिछले काफी दिनों से सियासी ड्रामे का डेली डोज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और अब आक्रामक अंदाज में एक बार फिर से एक स्टिंग को लेकर बीजेपी ने वार किया है आप पर। बिल्कुल पूजा जी, ये एक बड़ा वर्सटाइल इशू है, पूरा दिल्ली क्या पूरा देश इस मुद्दे से हिला हुआ है। और बीजेपी का जो स्टिंग आया है, देखिए ये तो जांच एजेंसियों के इन्वेस्टिगेशन का मैटर है और मुझे उम्मीद है कि बीजेपी इस सारे स्टिंग को सीबीआई को और ईडी को उपलब्ध कराएगी और वो इसकी सत्यता को की जांच करेंगे और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनसे अब इस स्टिंग के भी आप पर पूछताछ करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें आम आदमी ये कहे कि आम आदमी पार्टी कहे कि ये झूठा है और बीजेपी का ये सच्चा है, इससे ज्यादा अच्छा है जांच एजेंसियां इसकी जांच करें और जो भी लोग के नाम आए हैं उनको बुलाए, उनसे पूछताछ करें, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो इसमें लेकिन ये अनयूजुअल बात है, ना बीजेपी और ना आम आदमी पार्टी कह रही है कि इसमें जांच एजेंसियों को शामिल किया जाए, ये चीज समझ से बाहर है और कहीं ना कहीं राजनीति ज्यादा हो रही है और जांच कराने का उद्देश्य ज्यादा नहीं लग रहा किसी राजनीति। शिवम छाबड़ा जी, आम आदमी पार्टी लगातार ये इनकार कर रही है, ये आरोप झूठे हैं, सीबीआई ईडी की रेड में अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन आप लोग आक्रामक अंदाज में लगातार घेर रहे हैं। लेकिन एक एक विषय ये भी तोड़ता है कि इस आपाधापी में इस पूरे मुद्दे को लेकर जो सियासी बयानबाजी हो रही है, रोज इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, तमाम नेता मशगूल है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में, उससे दिल्ली में जो कामकाज हो रहा है, जो सरकार को करना चाहिए, जिस पर फोकस करना चाहिए सरकार को, सरकार तो उस पर ध्यान नहीं दे रही, नुकसान तो जनता का। बिल्कुल है, और कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, जब असंवेदनशील सरकारें होंगी और नॉन सीरियस लोग सरकार के मंत्री होंगे, भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, तो निश्चित रूप से आप अपनी चोरी को छुपाने के लिए ज्यादा समय व्यर्थ करेंगे। भाई अगर मेरा तो एक बड़ा सीधा से मानना ये है, मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आपकी शानदार पॉलिसी थी आपने उसको रिवर्ट क्यों किया? और आज जिस अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी राजनीति की शुरुआत इस बात से कही थी कि साहब आप आरोप लाइए, आप सबूत लाइए और हम उस पर कार्यवाही करेंगे, तो अब तो मैं नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष तो जो कह रहा है सो कह रहा है, लेकिन सत्येंद्र जैन जो इनके मंत्री हैं उनके ऊपर में कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है, प्राइमा फेसी वो सबके सामने है। कोर्ट ने प्राइमा फेसी सत्येंद्र जैन के लिए कहा था कि साहब प्राइमा फेसी इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि हाँ इस पे केस बनता है और निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ अनियमितता हुई है। उनके जो जो उनका स्कैम था बेसिकली, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला था, जब कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन कर दी उसके बाद भी आपने उनको मंत्री रिटेन करने की कोशिश करी और लगातार वो मंत्री आज भी हैं। पूजा जी मतलब देखिए, विडंबना देखिए शानदार है, वो किसी विभाग के मंत्री नहीं है लेकिन वो मंत्री दिल्ली सरकार के आवश्यक। अब आपने बताया मनीष सिसोदिया साहब, भाई आपने उनका बखान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, एफआईआर दर्ज हो गई सीबीआई के माध्यम से और उसके बावजूद आप उनको कंटिन्यू करते हैं एज ए मिनिस्टर, तो निश्चित रूप में दाल में काला है और आप उसके अंदर सहभागी हैं। अरविंद केजरीवाल पूरी डील के अंदर उसके सहभागी हैं और इस बात को स्वीकार लेना चाहिए। और हम तो फिर कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर में दिल्ली की जनता ने एक निश्चित रूप से एक, मुझे नहीं पता कि क्या कारण रहा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसी ऐसी सरकार का चुनाव निश्चित रूप से कर लिया, गलती उनसे हो गई है कि जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामलों में तो पीएचडी कर दिया। भाई कहने के लिए आप ईमानदारी के नाम पे आए थे लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार का आपने
दिल्ली के अंदर में तांडव रचा हुआ है। रितु चौधरी जी, आप तो सत्ता में भागीदार रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ, क्या वाकई इनकी कथनी और करनी में फर्क होता है? क्योंकि जब आप सत्ता में आते हैं तो शपथ लेते हैं आप जनता की सेवा करने की शपथ लेते हैं, आप नैतिकता की शपथ लेते हैं, क्या कोई भी दल जो सत्ता में आता है वो बाद में इन शपथों को भूल जाता है? जो शपथ जनता की सेवा की आप लोग लेते हैं, क्या उसे दरकिनार कर दिया जाता है स्वार्थ के लिए? देखिए केजरीवाल जी जितने भी आज तक सीएम हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आज तक के सबसे भ्रष्ट और झूठे सीएम जो साबित होंगे वो केजरीवाल जी साबित होंगे। वो शीला दीक्षित के खिलाफ बोलते रहे कि हमारे पास इतनी फाइल है, मैं खोलूंगा, मैं ये करूंगा, फाइल बगल में लेके घूमते थे, आज तक तो हमें कोई फाइल दिखाई नहीं, किसी को कुछ फाइल का कुछ पता नहीं, क्या दिखाने वाले थे, ऑटो के पीछे चिपकाते थे शीला दीक्षित जी का जो है नाम खराब करने की इतनी इन्होंने साजिशें रची। आप ये बताइए कि शीला दीक्षित ने जिन्होंने दिल्ली को वर्ल्ड सिटी बनाया, क्या केजरीवाल ने 1% भी उसके मुकाबले में कर पाए? क्या दिल्ली के लिए कुछ कर पाए? केवल दूसरों के करे हुए काम के फीते काटते रहे। और रही शिक्षा की बात, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि शीला दीक्षित जी के टाइम 16 लाख बच्चे जो थे वो स्कूलों में उस वक्त पंजीकृत थे। जब केजरीवाल जी आए तो उसमें वो केवल 13 लाख रह गए। ठीक, केजरीवाल बातों से तो बहुत आगे अब निकल आए। मुद्दा चूंकि शराब नीति का लेकर है और वाकई बहुत संवेदनशील मुद्दा है, अनुज अग्रवाल जी, क्या बेहतर नहीं होता कि अगर ये आरोप लग रहे होते तो वार पर पलटवार करने के बजाय सरकार सामने आती और सामने कहती कि हाँ जांच होने दीजिए, जब तक जांच जो है वो साबित नहीं हो जाती, कुछ सामने नहीं आता, तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कोई पलटवार नहीं करेंगे, क्या ये बेहतर तरीका नहीं होता आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी का जिस तरह का एटीट्यूड है वो चोर की दाढ़ी में तिनके वाला ज्यादा है। वो जिस तरह से मामले को उलझा रहे हैं, एलजी पर आरोप लगा रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा सत्र बुला रहे हैं और हर बात को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके पास कोई तथ्य नहीं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और बड़े स्तर पर गड़बड़ है। और जिस तरीके की हमने अपने देखी है, हमने बहुत सारे ठेकों पर गए, देखा कि घटिया और खराब शराब बिक रही है, बहुत सारे लोग शराब पीकर मर भी गए क्योंकि उसमें कहते हैं कुछ और मिलावट की गई है शराब में और घटिया शराब बनाई गई है। एक ही दो बोतलें बना के ये सवाल उनसे पूछा जाता है अनुज जी, तो वो सीधा जिक्र करते हैं गुजरात का कि गुजरात में ईडी क्यों नहीं कार्रवाई करती, सीबीआई क्यों नहीं कार्रवाई करती, वहां पर मरने वालों की संख्या शराब से बहुत ज्यादा है, वो सीधा ये पलटवार करते हैं। जहाँ देश में नशे का कारोबार हो रहा है वहाँ हर जगह जांच होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये कह देने से अनुज जी उनकी उनकी जिम्मेदारी की तिष्ठी हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती है। अगर वो उन्होंने गुजरात में उन्हें गड़बड़ लगती है तो जैसे बीजेपी स्टिंग और सबूत लाई है वो भी लाए और जनता के सामने सच तो उजागर हो कि ये सारे राजनीतिक दल कर क्या रहे। हर राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर जनता को धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, मक्कारी कर रहा है। बिहार में खूब शराब बिक रही है, गुजरात में खूब शराब बिक रही है, जबकि दोनों जगह प्रतिबंधित है। तो ये खेल जो चल रहे हैं, सबसे ज्यादा ड्रग्स पकड़ी जा रही है गुजरात में, अब वो एक तरीके से सेंटर बन गया है पूरा। क्यों इतनी ज्यादा आ रही है, जब पकड़ी जा रही है तो फिर क्यों ड्रग्स तस्कर ला रहे हैं? इसके मतलब इससे कई गुनी ज्यादा लाई जा रही है और पकड़ी बहुत थोड़ी जा रही है। शिवम जी, जब एक उंगली आप किसी पर उठाते हैं तो तीन उंगलियां आप पर भी उठती हैं। सवाल तो उठते आप पर भी हैं, गुजरात की सत्ता पर भी उठते हैं, लेकिन ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि सिर्फ किसी को घेरने के लिए आप कोई ऐसा स्टिंग या कोई ऐसी कहानी ना बनाए जिससे आप लोगों की भी किरकिरी हो, ये नैतिक जिम्मेदारी तो आपकी भी है सर। शिवम जी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हम उसका पूरा निर्वहन कर रहे हैं। जहां तक रही बात गुजरात की और बाकी प्रदेशों की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कानून अपना काम कर रहा है। अगर कहीं भी आपको लगता हो कि कुछ प्रकार की कोई बातचीत है तो कानून ने अपना काम किया, कानून ने एक्शन लिया, उस पर निर्णय किया है, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ जो मूल भक्त प्रश्न है जिसपे की अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी हर चीज को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही है, उसके ऊपर मैं कोई क्यों डाइवर्ट कर रही है ना? जो रही गुजरात की बात, तो उसकी बात को मैंने क्लियर कर दिया कि जहां भी प्रशासन अपना काम कर रहा है, शासन अपना काम कर रहा है, इसमें कहीं को दूर है नहीं। लेकिन दिल्ली के अंदर में इतनी शराब पॉलिसी अगर आपकी शानदार थी तो आपने उसको रिवर्ट क्यों किया? आपने अपने दोस्तों को फायदा क्यों पहुंचाया? आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को दिल्ली में ठेका क्यों दिया? इसका उत्तर को दे दें तो बात खत्म हो जाएगी। इसमें दिक्कत क्या है भाई? अगर वो जांच के दायरे में अगर मामला आ रहा है, वो जांच में सहयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इतने डिफेंसिव क्यों हैं? आप क्यों बार बार एलजी साहब पे पर्सनल आक्षेप लगा रहे हैं? आपको ऐसी कौन सी जरूरत पड़ रही है? किस ऑपोजिशन पार्टी ने कहा
कि साहब आपके विधायक कौन है। हम तो कह रहे हैं कि आप बंपर मेजोरिटी से के अंदर है दिल्ली विधानसभा के अंदर में, आपने वहां भी एक ड्रामा रखने का काम किया। आपने कहा सर ट्रस्ट वोट करेंगे, ट्रस्ट वोट की आवश्यकता ही नहीं थी। आपने दिल्ली विधानसभा के समय को खराब किया। आपने जो जो मामला जो समय वास्तव में दिल्ली के विकास के लिए चलना चाहिए था, दिल्ली की चर्चाओं के लिए उस विधानसभा सेशन को यूज किया जाना चाहिए था, यूटिलाइज किया जाना चाहिए था, आपने केवल अपनी पर्सनल ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए ट्रस्ट वोट कर दिया सो कॉल्ड की भी आपने पता नहीं क्या किया। तो कहीं ना कहीं हमको ये तय करना होगा कि हम किस दायरे में जाना चाहते हैं। अगर हम वास्तव में उनकी बात में फॉल कर जाएंगे तो अलग विषय है, लेकिन एक बात तय है, बिल्कुल ऋतु चौधरी जी, सवालों का सामना करना चाहिए सरकार को। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वार पर पलटवार तो कर सकते हैं, लेकिन चर्चा में शामिल क्यों नहीं हो सकते? आज भी हमने जब कोशिश की आम आदमी पार्टी को जोड़ने की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जबकि उनको सामने आना चाहिए, इस स्टिंग का भी जवाब देना चाहिए। सिर्फ पर्दे के पीछे से या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कही और चलते बने, ये तो सही नहीं है। ये तो बिल्कुल इनके इनके पास देने को जवाब नहीं है। इनके प्रवक्ता जो है जवाब देकर थक चुके हैं, कब तक वो जो है झूठ पर पर्दा डालते रहेंगे? उन बिचारों को भी थोड़ा सा वो थक गए हैं, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि कब तक हम भ्रष्टाचार को डिफेंड करते रहेंगे। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा जो है अपने कुकर्म जो है केजरीवाल के पीछे छुपाने का काम कर रही है। वो गुजरात में पोलराइजेशन इसी शराब नीति के चर्चा को लेकर वो गुजरात में पोलराइजेशन करने का काम कर रही है। ये लोग तो खुद भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हुए हैं, ये खुद अपनी बात नहीं करते हैं। केवल केजरीवाल की बात करने से काम नहीं चलेगा, भ्रष्टाचारी हर भ्रष्टाचारी की जांच होनी चाहिए, चाहे वो गुजरात के ड्रग्स का मामला हो, चाहे दिल्ली की शराब का मामला हो। लेकिन ये गुजरात के ड्रग्स फंड से पूछोगे तो ये बात नहीं करेंगे, वहां पे शराब से हुई मौतों के बारे में पूछोगे तो ये बात नहीं करेंगे, ये 100-100 करोड़ के MLA खरीदते हैं इनसे पूछोगे तो ये बात नहीं करेंगे। तो ये जो है ये दोनों एक थैली का चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मोसेरे भाई, एक दूसरे के पीछे छिपने का काम कर रहे हैं। और ईडी को ये चाहिए कि ईमानदारी से काम करते हुए हर भ्रष्टाचारी के जांच करनी चाहिए और उसको सामने लाना चाहिए। CBI की जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच होनी, जितनी भी जांच एजेंसियां है सबको इन राहुल गांधी या सोनिया गांधी को रडार पर लेती है तो आप लोग हंगामा करते हैं, बवाल करते हैं। बहरहाल अनुज अग्रवाल जी, क्या लग रहा है ये मामला कितना और लंबा खींचेगा? क्या इसका कोई खात्मा है? क्या इसका कोई अंत होगा? आम आदमी पार्टी जिस तरह से जिम्मेदारी से बच रही है उससे इसको कितना नुकसान सियासी अगर भविष्य की बात की जाए? केंद्रीय जांच एजेंसियां और BJP एक्टिव है, वो कहीं ना कहीं किसी परिणाम तक पहुंचेगा और कुछ ना कुछ राजनेता जरूर गिरेंगे। और इसमें चूंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, उससे पहले कई सारे राज्यों के चुनाव है, तो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा तो बना ही रहेगा। अब ये जरूर है कि इसमें और नए नए आयाम आ जाए, कुछ और चीजें सामने आए, लेकिन ये अभी जांच एजेंसियां भी अपना समय लेंगी और BJP भी इसका मजा लेगी और आम आदमी पार्टी को बार बार डिफेंसिव होना पड़ेगा, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। यानी सियासी कह सकते हैं नुकसान हो सकता है, मामला जितना लंबा खींच रहा है और बिल्कुल दिख रहा है। देखिए पहली बार 8 सालों में हमने जनता के बीच में देखा है जाकर, तो जनता में नाराजगी है इस मुद्दे से और वो निराश भी है बहुत सारे, जबकि आज तक ऐसा नहीं था। आम आदमी पार्टी के प्रति जनता का विश्वास लगातार बना हुआ था, ये पहली बार BJP को एक बहुत बड़ा मुद्दा हाथ में लगाया जिससे आम आदमी पार्टी बैकफुट पे है, बिल्कुल डिफेंसिव हो गई। शिवम जी, मुद्दा 2024 के लिए आप लोग पकड़ कर रखे हैं या वास्तव में दिल्ली की भलाई के लिए आप लोग इस मुद्दे को खूब जमकर देख रहे हैं? चुनाव बहुत दूर है, 2024 का चुनाव, मतलब क्या मैंने कहा कि आप कहीं ना कहीं इसको बड़े गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। सीधा सीधा मामला है कि दिल्ली के हितों की बात, दिल्ली के हितों का मामला है, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी की जा रही है, यहाँ से पैसा हम कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे किया गया, यहाँ से शराब माफिया के साथ पैसा लिया गया, इसे पंजाब के चुनावों में लगाया गया, ये सीधा सीधा मामला है। मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी CBI की जांच में निश्चित रूप से होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया किसी भी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, उन्होंने दिल्ली के पैसे का दुरुपयोग किया है और मुझे लगता है इसका जवाब जनता उनसे जरूर मांगेगी, चाहे किसी भी माध्यम से मांगे। ऋतु चौधरी जी, जनता का भी सोचना चाहिए, आप जैसे सियासी दलों को जो बहुत खून पसीने से सरकार को चुनती है, बहुत मन से चुनती है कि सरकार काम करेगी, विकास करेगी, शहर का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा, तो लोगों की तरक्की होगी। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आते हैं और सभी सियासी दल इस खींचतान में लग जाते हैं, कामकाज दरकिनार हो जाता है, तो नुकसान तो दिल्ली के लोगों का है।
जी बिल्कुल, लोगों के टैक्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। बहुत ज्यादा पैसा जो है एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया जा रहा है। आपने देखा होगा अभी टीचर का जो मॉनेटरी अवार्ड जो इन्होंने घोषित किए वो 29 लाख रुपए के दिए थे और उसपे 144 लाख रुपए जो है इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पर केवल खर्च किया। यही काम जो है बीजेपी सरकार कर रही है, वो भी एडवर्टाइजमेंट पर लाखों करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ों रुपए जो है बीजेपी के द्वारा खर्च किया जा रहा है जो जनता के टैक्स का पैसा है। और इसी प्रकार से केजरीवाल जी ने, आपको मैं बता दूं, जो शिक्षा की बात करते हैं, उन्होंने स्कॉलरशिप को घोषित किया था, उसमें 2 बच्चों को केवल स्कॉलरशिप दी 5 लाख की, उसके भी पैसे नहीं मिले और उस पर जो है इन्होंने 25 लाख रुपए केवल एडवर्टाइजमेंट पर इन्होंने खर्च कर दिए। इस प्रकार के जो है ये पैसे को गलत जो है जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल दोनों सरकारों द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और उसकी गहरी गहन जांच होनी चाहिए। अनुज अग्रवाल जी, कोई भी सियासी दल हो, सत्ता में कोई भी दल हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, लेकिन सबका एक ही मोडस ऑपरेंडी रहती है, एक ही स्ट्रैटेजी रहती है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग सत्ता चलाते हैं और दूसरे पर निशाना साधते हैं। लेकिन ये क्या कह देना कि उसकी कॉलर मेरी कॉलर से ज़्यादा मैली है, क्या अपने कर्तव्यों से, क्या अपनी जिम्मेदारियों से कोई भी सरकार या कोई भी दल इस तरह से बच सकता है? नहीं, ऐसा हम देखिए, राजनीति में हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और संसदीय शासन प्रणाली, हम एकदम डिस्ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो भी राजनीतिक दल जनता से समर्थन लेकर सत्ता में आता है, संविधान के अनुरूप शासन चलाता है, तो थोड़ी बहुत कमियां सब में होती है, उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सारे समझौते भी करने पड़ते हैं, लेकिन मोर और लेस जनता एक मोड ऑफ सेटिस्फेक्शन देखती है। जैसे बंगाल में 3री बार ममता बनर्जी चुन के आई, बीजेपी 5 बार से गुजरात में है, योगी जी दोबारा आए हैं यूपी में, तो कहीं ना कहीं जनता में एक विश्वास दिखता है। केजरीवाल जी भी अब फिर से चुन के आए हैं, तो ये विश्वास था, लेकिन उसी विश्वास के बीच में जब गलतियां होने लगती हैं, गड़बड़ियां होने लगती हैं और उस भरोसे के व्याप पर जब घोटाले शुरू हो जाते हैं, उन्हें लगता है जनता हम पे आग बूंद के ट्रस्ट कर रही है, अब हम आराम से अपना खेल खेल सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, तो ये जब भाव आता है बड़ा खतरनाक होता है। तो राजनीति में कहा भी जाता है कि लगातार 2 बार किसी एक राजनीतिक दल की सरकार नहीं आनी चाहिए, एक बारी बारी से बदलते रहते हैं तो उससे चेक एंड बैलेंस रहता है। लेकिन अब ये जनता जनता जनार्दन है, वो जैसा चुनती है, जैसा समझती है, उस हिसाब से जब उसको बेटर चॉइस नहीं मिलती तो पुराने वाले को ही द्वारा चुन लेती है, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, उसका परिणाम भी भुगतना, कई बार वो अच्छा भी हो जाता है। तो राजनीति एक प्रयोग धर्मिता रहती है राजनीति में हमेशा, लोकतंत्र में, और कुछ में अच्छा मिलता है कुछ में खराब मिलता है, ये निरंतर चलने वाला है कि युद्ध है, मैं मानता हूं। बिल्कुल, लेकिन शिवम जी, हम उम्मीद यही करते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती तभी है जब एक मजबूत सरकार के साथ साथ एक धारदार विपक्ष भी हो, और उस भूमिका में आप लोग बखूबी नजर आ रहे हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि दिल्ली की जनता के हितों का नुकसान ना हो, जो कामकाज होना चाहिए वो ना रुके इस संग्राम के बीच। बिल्कुल ठीक है, इनके लोकतंत्र के अंदर में जब तक ओपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगा तो मुझे लगता है कि सरकार चलाने का भी आनंद पूरे नहीं होता। निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर भी ओपोजिशन ही वो लोग होते हैं जो सही मायने में सरकार की गलतियों को उजागर करते हैं, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि सरकार जो जिम्मेदारी से काम नहीं करती और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का लगातार पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, और शराब की तरह मुझे लगता है शराब माफियों के लिए जो है दिल्ली को बेच दिया गया, तो निश्चित दुखद मामला है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि CBI इसकी इंक्वायरी करेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा और सबके सामने होगा, मुझे लगता नहीं कि बहुत उसमें चिंता का और संशय का विषय है। ठीक, सबके सामने दिल्ली के बहुत सारे कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक, अनु जी आती हूं एक बार ऋतु चौधरी जी से कमेंट। जी सर, मैं ये कहना चाह रही हूं पूजा जी कि हमने 6 महीने 7 महीने पहले से ये मुद्दा उठाना शुरू किया था शराब का, हमने लगातार धरने करे, प्रदर्शन करे, माननीय अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस बिल्कुल सड़कों पे आप पार्टी को घेरे रखा, लेकिन उस वक्त इनके सांसदों ने, इनके MLAs ने, इनके जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है, इनके जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, उनके कान पर जूं तक नहीं रहे। लेकिन जब इनको ये लगा कि गुजरात का इलेक्शन आने वाला है और इसका हम फायदा उठा सकते हैं, फौरन इन्होंने मुद्दे को कैच कर लिया। 7 महीने से हम लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और आज ये विपक्ष की, आपने भी अभी बोला ये तो आपकी कमजोरी थी कि आपके मुद्दे को अगर बीजेपी ने हाईजैक कर लिया तो ये तो कमजोरी आपकी हुई कि आप पुरजोर तरीके से उठा नहीं पाए शायद। अनु जी, फाइनल कमेंट सर आपसे। माफ कीजिएगा पूजा जी, हम पुरजोर तरीके से, हमारे कार्यकर्ता लाठियां खा रहे हैं,
उन्हें उनके ऊपर एफआईआर हुई है, उन्हें जेले हुई है, हमारे ऊपर लगातार जो है पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, कैनन वाटर कैनन छोड़ी गई, इससे ज्यादा विपक्ष और क्या मजबूत हो सकता है, इससे ज्यादा और आप क्या, आपको लगता है कि क्या मतलब कितना मजबूत तरीके से आवाज उठानी चाहिए, ऋतु जी आप ही की भलाई है, जितना संघर्ष करते आप जनता के मुद्दों पर नजर आएंगे जनता आपको सराहेगी। अनुज अग्रवाल जी फाइनल कमेंट आपसे। जनता के मुद्दों पर लगातार मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली में बहुत सारे विभागों में ब्यूरोक्रेसी कामकाज नहीं कर रही है, सारे काम रुक गए हैं, लोग घबराए हुए हैं सारे ब्यूरोक्रेट्स और किसी फाइल पे साइन नहीं कर रहे, ये एक बड़ी अनयूजुअल पोजीशन है और मुझे लगता है कि एलजी साहब ने लगातार हर डिपार्टमेंट में ज्यादा गहरी नजर रख रहे हैं या कि बीजेपी दबाव बना रही है, तो जहां आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं काम है वो कम से कम ना रुके, इसकी जरूर कोशिश करनी चाहिए। इसका जवाब देते हैं सर, क्या क्या दबाव है एलजी साहब के ऊपर, क्योंकि आप पर ही आरोप लग रहा है। किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, दबाव उनके लिए जिन्होंने चोरी करी है, जिन्होंने चोरी नहीं करी वो अपना काम करेंगे, साक्षात सही तरीके से काम करेंगे और एलजी साहब अपने 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 दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक ठीक, अब इसमें किसी प्रकार का है कि सब दल, सब सियासी दल जो है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष हो, अपने दायित्वों का निर्वहन करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवम छाबड़ा जी, ऋतु चौधरी जी, अनुज अग्रवाल जी जुड़ने के लिए। और सत्ता के टेम्परेचर में फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला नेटवर्क 10 में लगातार जारी है। जय हिंद।